जिसके बाद अस्पताल पहुंचने पर पुलिस वालों ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने की बात कही, लेकिन कपिल खान अपने भाई को निजी अस्पताल ले जाना चाहते थे, जिससे पुलिस वालों के साथ उनकी बहस शुरू हो गई। इस दौरान कपिल खान के परिवार वाले आसिफ को ले जाने की कोशिश करते दिखे, जिन्हें पुलिस वालों ने रोक दिया। थोड़ी ही देर बाद कपिल खान खुद अपने भाई के स्ट्रेचर को धक्का देने लगे, लेकिन एक बार फिर पुलिस वालों ने उन्हें जाने नहीं दिया। वो गोरखनाथ से वापस आ रहा था, जेपी हॉस्पिटल के पास एक्टिवा, ब्राउन कलर की एक्टिवा थी, दो लड़के थे, एक क्या नाम है, हेलमेट पहना था, एक गमछा लगाया हुआ था, तीन गोली उन्होंने फायर की है। पुलिस ने आशंका जताई कि कपिल खान के भाई पर हमला किसी पुरानी रंजिश की वजह से किया गया। हालांकि पुलिस से बहस के बाद कासिफ को इलाज के लिए निजी अस्पताल में ही भर्ती करवाया गया। पहले तो सबका शुक्रिया अदा करूँगा, सबकी दुआओं से मेरे भाई काशिफ का बुलेट्स निकल गई हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, अभी आईसीयू में ठीक हैं। तीन गोलियां मारनी गई थी उनको मारने के लिए, एक गर्दन से यहाँ से मार के यहाँ चली गई, एक जो गोली यहाँ से मार पड़ी है और वो अटक गई थी, एक शोल्डर पे मार के निकल गई थी। तीन तीन बुलेट इंजरीज, किसने मारी है ये नहीं पता है, पर ये ज़रूर है कि जहाँ पे चीफ मिनिस्टर गोरखनाथ मंदिर में सो रहे थे उससे 500 मीटर दूरी पे ये वारदात हुई है। और दो लड़के स्कूटी से आए, उन्होंने गोली मारी और भाग भी गए, तो ये कानून की रियली स्टेट है। सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का हुआ कि जो पुलिस कप्तान थे सीओ क्राइम प्रवीण जी और वीके सिंह जो एसपी सिटी थे, उन्होंने पहले तो हमसे कहा कि मेडिको लीगल कराना ज़रूरी है, हालांकि डॉक्टर रणविजय दुबे मेडिको डीएम एमसीएच न्यूरो सर्जन थे, उन्होंने सलाह दी कि इमीडिएटली बुलेट निकालना बहुत ज़रूरी है, इट्स एमरजेंसी, पर भी पुलिस एकदम बाजी की कि हमें सदर हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है। हम वहाँ सदर हॉस्पिटल गए, एक घंटा लगा वहाँ मेडिकल लीगल होने में, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं अभी अब मेडिकल लीगल नहीं, अभी हम मेडिकल कॉलेज का मेडिकल लीगल मानेंगे, वहाँ मेडिकल बोर्ड बनेगा उसके बाद होगा। हम किसी तरह उनको ले के स्टार हॉस्पिटल भाग आए कि इमरजेंसी है, ऑपरेशन कराना है, तो उन्होंने पूरी पुलिस फोर्स मंगा ली, 5-10 जीप्स पे पुलिस भर के आ गए और हमें ज़बरदस्ती मेडिकल कॉलेज ले आ गया, जहां मेडिकल कॉलेज में ये बताया गया कि मेडिको लीगल तो सदर हॉस्पिटल में हो चुका है, इसलिए आप लोग यहां पे कोई काम नहीं है, तो अगर इलाज कराना है तो कहीं भी ले आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा दुखद काम था, एक घंटा हम लोग का मतलब 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हम लोग का 2:30 बजे तक वेस्ट किया। कल रात की घटना बताई जा रही है, इनके द्वारा ये बताया गया था कि थाना कोतवाली क्षेत्र के अंदर स्कूटी सवार थे जिन्होंने हेलमेट पहन रखा था, उनके द्वारा इन पर हमला किया गया, उसके बाद इनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिकली जो है अभी इनकी कंडीशन ठीक है और अभी इस संदर्भ में इनके द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई। हालांकि कई ज़मीन के मैटर भी संज्ञानित हुए हैं जो कि उसमें हैं, और जैसा ये तहरीर देते हैं जैसी चीज़ें होती है यथाशीघ्र जो भी घटना है उसका अनावरण किया जाए। डॉक्टर कफील के भाई को गोली मारी गई, हम आपको बताते हैं डॉक्टर कफील हैं कौन। अगस्त 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना में इनका नाम आया, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 60 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी, ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के केस में आरोपी बनाए गए थे डॉक्टर कफील। आरोप के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने इन्हें निलंबित कर दिया था। ऑक्सीजन गैस सप्लाई में लापरवाही पर गिरफ्तारी भी इनकी हुई थी और पिछले महीने डॉक्टर कफील को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली और अब उनके भाई को गोली मारी गई।